टॉप का श्रेय जो आपने टॉप किया है किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अपने परिवार को, माता पिता को और विद्यालय परिवार को, भैयाओं को और अपने मित्रों को देना चाहेंगे। शुभ, आपकी जो स्टडी शेड्यूल्स हैं वो क्या रहे एक बार वो भी बताएं, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं आपको देख के जो इंस्पायर हो रहे हैं क्योंकि आप रैंकर हैं, वो भी फॉलो कर सके और वो भी पढ़े। मैम, जो इम्पोर्टेंट है जो मैंने फॉलो किया है वो है कि साल भर मतलब लगातार स्टडी की है और प्रैक्टिस की है, रिविजन किया है और लास्ट टाइम से मतलब थोड़ा सा बढ़ा लिया था, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और यूट्यूब से ही पढ़ा है और तो सभी रिसोर्सेज का यूज करके लास्ट में मैंने 7-8 घंटे पढ़ाई की है। शुभ, आगे की आपके क्या प्लानिंग है, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे आप? मैम, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहूंगा और देश की सेवा करना चाहता हूँ। शुभ, अगर बात की जाए आपके स्कूल की, तो आपके स्कूल का कितना, जो आपका स्कूल है वो कितना हेल्पफुल रहा, स्कूल की स्टडीज, स्कूल मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए? स्कूल वाले बहुत ही मतलब सहायता की है और मतलब जब भी जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह और बहुत हेल्प की है और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करवाई है और समय समय पर टेस्ट भी लिए है और अपनी तरफ से उन्होंने पूरा योगदान दिया। शुभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी दीपक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए हम लगातार स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और सीधी तस्वीर हमने कानपुर से भी दर्शकों को दिखाई कि इस प्रकार से जो उत्साह है वो 10-12 के स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स में देखने को मिल रहा है रिजल्ट आने के बाद। और देखिए ये काफी, ये पहली बार रिकॉर्ड टूटता है कि इतनी जल्दी जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए अभी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को